अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करते हैं, मिठड़ी के करीब क्वेटा से जैकबाबाद जाने वाली मुसाफिर वैन और मजदा में तसादुम, 10 अफराद हलाक, मुतादिद अफराद जख्मी, हलाकतों का खदशा। कमिश्नर सरगोधा डॉक्टर फराह मसूद, RPO सरगोधा अफजाल अहमद कोसर मुहर्रम उल हराम के जलूस व मजालिस के इंतजाम के जायजा के लिए भक्कर पहुँच गए। DC ऑफिस में ब्रीफिंग के बाद रूट्स का दौरा भी किया। फिक सदर की आवाम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, MNA भक्कर डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान ढांडला की कोशिश से फिक सदर में BHU बेसिक हेल्थ यूनिट अस्पताल मंजूर। जंजू शरीफ में दरिंदा सिफ्ट इमाम मस्जिद ने मुहर्रम उल हराम का भी एहतराम ना किया, नवी जमात के तालिबे इल्म को अजरा में जबरदस्ती बदफेली का निशाना बना डाला। वालदैन पूरा दिन पुलिस चौकी गोहरवाला और थाना मनकेरा में इंसाफ के लिए खबार होते रहे, लेकिन रात गए तक बासिर मौलवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज ना हो सका। मुतासरा वालदैन ने IG पंजाब और DPO भक्कर से इंसाफ की अपील कर दी। मेन सराय मुहाजर चौक में जेर तामीर दुकान की दीवार गिर गई, जेर तामीर दीवार गिरने से जद में आकर एक मजदूर शदीद जख्मी। रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीम ने पेशा वराना महारत से नीचे दबे मजदूर को निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हादसा पुरानी दुकान को प्लस्तर करने के दौरान पेश आया। केरा मुहर्रम उल हराम की मजालिस पढ़ने का वादा करके मुनहरिफ होने वाले जाकिर सैयद जरीद शाह के खिलाफ थाना मनकेरा में मुकदमा दर्ज। 50,000 एडवांस लेकर जाकिर मजालिस पढ़ने से मुनहरिफ हो गया।